हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे गर्ल्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भगवान गणेश के लिए आज मैंने बहुत ही स्पेशल मावा मलाई के मोदक तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होते हैं। चलिए देखते हैं मैंने ये मोदक किस तरह से तैयार किए, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इन्ग्रीडियंट्स सारे रेडी हैं। 400 ग्राम मैंने पाउडर मिल्क लिया है, आप कोई भी कंपनी का पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून मैंने शुगर लिया है, शुगर पाउडर। 3 टेबलस्पून घी लिया है। 1 टेबलस्पून मलाई ली है, फ्रेश मलाई है। कुछ काजू मैंने ले लिए हैं स्टफिंग के लिए। 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। 400 ग्राम मैंने गर्म किया हुआ ठंडा मिल्क लिया है। सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म हो गई है, 1 टेबलस्पून इसमें घी डाल देते हैं। साथ में हमने जो दूध लिया है, दूध इसमें ऐड कर लेंगे। 1 स्पून या करछी से इसे इस तरह से हिलाते जाएंगे। उसी के साथ हमने जो इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून, उसे भी ऐड कर लेते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। शुगर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी मिल्क पाउडर में शुगर रहता है, मैंने एक्स्ट्रा 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। फिर भी अगर आपको स्वीट ज़रा ज़्यादा चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे, ये पैकेट मैंने पूरा पैन में डाल दिया है। इसे हमें कंटिन्यू इसी तरह से हिलाते रहना है, अच्छा सब पेस्ट बनाएंगे इसका। ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को मीडियम लो फ्लेम में रखना है, फुल फ्लेम में रखना नहीं है, अदरवाइज़ नीचे से पैन जल जाएगी, ये पेस्ट जो हम तैयार कर रहे हैं चिपक सकता है। अब इसमें हम जो हमने फ्रेश मलाई ली है उसी पर ऐड करके कंटिन्यू पेस्ट को करछी से इसी तरह हिलाते रहेंगे। इसी तरह कंटिन्यू करछी घुमाने से एक तो लंग्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज़ क्या होता है हम बीच में अगर छोड़ देते हैं तो गांठ बन जाती है, जो कि खाने में बहुत ही ख़राब लगती है और मोदक भी अच्छे नहीं बनते हैं। कई बार मोदक बनाते टाइम अच्छी तरह से शेप नहीं आ पाता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी वापस ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद भी हमें करछी को घुमाते रहना है ताकि पेस्ट बिल्कुल पैन में न लगे और नीचे से जले नहीं। इसी तरह से घुमाते रहेंगे और घुमा के ही इसे थिक करना है हमें। ये देखिए, घी डालने से एकदम पैन को छोड़ दिया है। ये पेस्ट तैयार करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है, एकदम थिक होने लग गया है। बहुत ही अच्छा मावा तैयार हो गया है। देखिए, इसे थोड़ा सा और हम इसी तरह से घुमाएंगे। इस कंसिस्टेंसी में हमें लेके आना है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से मावा तैयार हो गया है, एकदम ताज़ा फ्रेश मावा। हम कभी भी त्यौहारों में इसी तरह से घर पे मावा बना के मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। मलाई मावे का मिक्सचर एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 5 मिनट इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट या थाली में इसे निकाल लेंगे। आप इसे फ़ैन के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं फटाफट। और जो करछी में लगाए इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के लिए थोड़ा सा हाथ में घी लगाएंगे। घी लगाने से हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और इसे अच्छी तरह से हमें इसी तरह मसल के तैयार करना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके मोदक भी बहुत अच्छे बनेंगे
और इसकी कई सारी मिठाइयाँ भी हम बना सकते हैं। इससे हम लड्डू, पेड़ा या फिर काजू कतली, कोई भी मिठाई तैयार कर सकते हैं। मोदक बनाने के लिए सांचा यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप हाथ के सहारे भी अच्छे मोदक बना सकते हैं। तैयार किया हुआ मिक्सचर सांचे में भर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद बीच में स्टफिंग के लिए एक काजू डाल देते हैं। काजू डालने से मोदक का टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप इसे तोड़ के खाते हैं, बीच में काजू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका आप स्टफिंग डाल सकते हैं बीच में। ये देखिए बहुत ही लाजवाब मोदक तैयार हो गया है। स्टफिंग डालने के बाद अच्छी तरह से हमें ऊपर से उसे भर लेना है इक्वल शेप में। आप देखिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है और कितना अच्छा मोदक तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। एक साथ हमें ज़्यादा मिक्सचर नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे, हल्का सा डाल के आधा हमें भरना है। बीच में थोड़ा सा अंगुली से शेप देके उसमें हमें काजू डाल देना है। बीचों बीच इसमें हम एक काजू डाल देंगे। अब ऊपर से हम इसे अच्छी तरह से भर लेंगे। फिक्सर का जो शेप है वहाँ तक हमें भरना है। एक्स्ट्रा जो मिक्सचर इसमें लगेगा उसे हमें अंगुली के सहारे निकाल लेना है और हल्के से इसे प्रेस करके खोलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मोदक तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे मोदक बना के तैयार कर लेने हैं। हल्का सा हाथ में चिपक रहा है अभी, क्योंकि हल्का गर्म भी है, लेकिन जितना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर एकदम थिक हो जाता है, इसलिए हल्का सा जब गर्म रहता है तभी हमें मोदक बना लेने हैं। इसी तरह से सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे मोदक तैयार हो गए हैं। मोदक एकदम रेडी है, मैंने प्लेट में सारे मोदक लगा दिए हैं। आप देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, लुक्स वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोदक तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी अपने किचन में एक बार ये रेसिपी अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए इन्हें और भी ज़्यादा शाइनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट के लिए हमने सिल्वर वर्क यूज़ किया है। सिल्वर वर्क यूज़ करने के लिए हम इसमें चारों तरफ सिल्वर वर्क लगा लेंगे। आप मार्केट में भी देखते होंगे, जब हम कभी मिठाई लेने जाते हैं तो सिल्वर वर्क लगाई हुई मिठाई बहुत ही ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मोदक खाने में जितने टेस्टी हैं उतने ही ज़्यादा शाइनी, उतने ज़्यादा अच्छे देखने में भी हैं। आप देखिए लुक्स वाइज कितने ज़्यादा यमी, कितने अच्छे टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मोदक तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आने वाली ढेर सारी नई नई रेसिपीज, नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलें और आप भी अपने किचन में अप्लाई करें। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का जो प्यार है मेरे चैनल के लिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये देखिए लुक्स बहुत ही अच्छा आया है मोदक का। मावा मलाई मोदक देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बाहर से जब हम मोदक लाते हैं तो उसका टेस्ट इतना कभी नहीं हो सकता है, उससे हज़ार गुना ज़्यादा टेस्ट घर में बने हुए इस मोदक का होता है। तो आप भी इसी तरह से मोदक घर पे तैयार कीजिए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, यमी, टेस्टी, स्वीट मोदक तैयार है। चलिए देख लेते हैं इसका टेस्ट। पहले आप लोग खाइए, देखते हैं। ये मैंने इसमें जो स्टफिंग डाली अंदर से, इसके अंदर से मैंने, आप देख सकते हैं, काजू।
बहुत टेस्टी है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अगर मावा मलाई की रेसिपी कोई भी मिठाई तैयार करते हैं तो लगता है कि गले में चिपकता है, तो इसे थोड़ा सा फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद खाएं। गरम गरम दूध के साथ में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मोदक या फिर इसके पेड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह की जब स्वीट बनाते हैं तो गर्म दूध के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मैंने मोदक कैसे बनाए हैं, मुझे अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके प्यारे से फीडबैक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और आपके मोटिवेशन से मैं और भी ज़्यादा इंकरेज होकर कुछ और नया करने की अपने अंदर से प्रेरणा जगाती हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए और बहुत सारे आपका जो बैकअप है मुझे देने के लिए, आपका सपोर्ट मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।